Assalamu alaikum to all of you. I hope aap sab khairiyat se honge. Today the title of our video is kaun kaun se aise khiladi hain jinko Pakistan vs Newzealand series ke dusre test match mein replace kiya ja sakta hai. In the start of video I want to say that please subscribe our YouTube channel and then press the bell icon so that future mein aane wali hamari cricket ke bare mein new video sabse pehle aap tak pahunch sake. Let's begin the video. As you are well known, Pakistan vs New Zealand ki test series ka ek match ho chuka hai. Jiska dar tha us match mein wahi hua. New Zealand ne wo match apne naam kar liya aur Pakistan ko 32 shikast se hara diya. Ab dekh rahe hain log dusre test match ki janib ke isme Pakistan ki performance kis qadar hogi. चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान का दूसरे मैच में स्क्वाड जो है उसके अंदर कौन-कौन सी तब्दीलियां करने के इम्कान हैं और कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं शान मसूद। ये ऐसे प्लेयर हैं जिनकी पाकिस्तानी टीम में जरूरत नहीं और इन्हें रिप्लेस करके बाबर आजम को लाया जा सकता है। द सेकंड वन इज आबिद अली। आबिद अली की भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही और ये विकेट उड़वाकर न्यूजीलैंड को अपनी विकेट दे दी और इनको रिप्लेस किया जा सकता है इमरान बट के साथ। द थर्ड वन इज हारिस सुहेल। हारिस सुहेल की परफॉर्मेंस से आप खुद मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं तो इन्हें भी रिप्लेस किया जा सकता है। हुसैन तलत जो कि पाकिस्तान के बहुत बेस्ट बॉलर हैं तो इनके बाद नाम आ रहा है यासिर शाह। यासिर शाह ने भी कोई खास परफॉर्मेंस का सामना नहीं किया, इन्हें सुहेल खान से रिप्लेस किया जा सकता है। द लास्ट वन इज नसीम शाह। नसीम शाह की जगह दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इनकी भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं थी और ये फास्ट बॉलिंग करवाने में भी फेल हो गए थे जिस पर रमेश राजा काफी गर्मजोशी इख्तियार कर गए थे, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों नसीम शाह की जगह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को लाने के इम्कान हैं और मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेनी होगी। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली है और उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले ली थी और अब इमरान खान और शाहिद अफरीदी की वजह से उन्होंने उन पर कॉल से رابطہ किया और जो बातें की उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं उसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और अब यह उम्मीद की जा रही है कि नसीम शाह की जगह पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद आमिर को शामिल कर दिया जाएगा। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्रिकेट के बारे में न्यू अपडेट जो हमने आप लोगों से शेयर की। नेक्स्ट वीडियो तक अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।